हाय एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट की। ये एक्चुअली लैटिन वर्ड्स है, तो चलिए क्या मीनिंग है ये देखते हैं हम। नोस्ट्रो अकाउंट, इट रिफर्स टू एन अकाउंट डेट अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड इन अ फॉरेन करेंसी इन अ फॉरेन बैंक। नोस्ट्रो अ टर्म डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फॉर आवर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज टू फैसिलिट फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड ट्रांजेक्शन्स। जब भी हमारे डोमेस्टिक बैंक किसी फॉरेन करेंसी में फॉरेन बैंक में अकाउंट मेंटेन करेगी तो उसको हम कहेंगे नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अवर्स, मतलब अपना, और मेनली ये यूज़ होता है फॉरेन एक्सचेंज एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में। अब एग्जांपल है, इफ अ डोमेस्टिक बैंक लाइक बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अ US डॉलर अकाउंट विथ ICICI बैंक USA, देन सच अकाउंट इज कॉल्ड नोस्ट्रो अकाउंट। मतलब जब भी हमारे इंडिया की बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करेंगी US अकाउंट विथ ICICI बैंक ऑफ USA, फाइन, तो ये केस होगा नोस्ट्रो अकाउंट का, हम उसे कहेंगे नोस्ट्रो अकाउंट। एज यू कैन सी, HDFC ने अकाउंट मेंटेन किया USA की सिटी बैंक में, जो कि नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ सिटी बैंक है। हियर HDFC बैंक ओपन अ करंट अकाउंट विथ सिटी बैंक इन इंडिया, सॉरी इन USD इन USA, दिस इज नोस्ट्रो अकाउंट फॉर इंडियन। मतलब हमारे इंडियन के लिए वो होगा नोस्ट्रो अकाउंट। नाउ वोस्ट्रो अकाउंट क्या है देख ले, द टर्म वोस्ट्रो इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड योर्स, मतलब आपका। इट इज़ द अकाउंट विच इज हेल्ड बाई फॉरन बैंक विथ अ डोमेस्टिक बैंक इन अ डोमेस्टिक करेंसी। मतलब जब भी कोई फॉरेन बैंक हमारी कंट्री में हमारी करेंसी में अकाउंट मेंटेन करेगी तो उसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे वोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट में क्या था, हमारी कंट्री के बैंक कोई दूसरी कंट्री में उनकी करेंसी में अकाउंट मेंटेन करेंगे उसको बोलेंगे नोस्ट्रो अकाउंट। और इस केस में क्या है, कोई फॉरेन बैंक हमारी कंट्री में हमारी करेंसी में अकाउंट मेंटेन करेंगी तो उसको हम कहेंगे वोस्ट्रो अकाउंट। अब अल्टीमेटली ये मीनिंग तो सेम ही है दोनों का, लेकिन सिर्फ व्यू पॉइंट से हम उसको अलग अलग नेम से जानते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, सिटी बैंक्स मेंटेन एन अकाउंट विथ SBI इन इंडिया INR, इट विल बी वोस्ट्रो अकाउंट फॉर SBI, मतलब हमारे लिए वो वोस्ट्रो अकाउंट होगा। मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था, सपोज इंडियन बैंक है वो US की सिटी बैंक में अकाउंट मेंटेन किया हुआ है तो वो हमारे लिए होगा नोस्ट्रो अकाउंट, फाइन। अब जब भी सिटी बैंक है वो हमारे इंडियन बैंक में सपोज कि अकाउंट मेंटेन करती है तो वो हमारे लिए होगा वोस्ट्रो अकाउंट। लेकिन आप जब भी सिटी बैंक के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो पहले एग्जांपल में मतलब वो होगा उनके लिए वोस्ट्रो अकाउंट, और सेकंड एग्जांपल में वो होगा उनके लिए नोस्ट्रो अकाउंट, क्योंकि वो हमारे यहाँ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उनके लिए होगा वो नोस्ट्रो अकाउंट। यू कैन सी दैट एन अकाउंट विच इज़ नोस्ट्रो फॉर वन बैंक इज़ वोस्ट्रो फॉर अनदर बैंक, जैसा मैंने एग्जांपल में आपको बताया। एज इन द अबव एग्जांपल, व्हेन HDFC ओपन्स अ वोस्ट्रो अकाउंट विच सिटी बैंक, इट इज़ अ वोस्ट्रो अकाउंट फॉर सिटी बैंक। मतलब HDFC जब भी नोस्ट्रो अकाउंट ओपन करेंगी विच सिटी बैंक वो होगा वोस्ट्रो अकाउंट फॉर सिटी बैंक, लेकिन हमारे लिए वो होगा नोस्ट्रो अकाउंट। एंड सिमिलरली वोस्ट्रो अकाउंट फॉर HDFC इज एक्चुअली नोस्ट्रो अकाउंट फॉर सिटी बैंक। ये एग्जांपल हमें मतलब थोड़ा डीप में समझा देता हूँ। सपोज HDFC बैंक है, HDFC बैंक ने USA में USA की जो सिटी बैंक है उसमें अकाउंट मेंटेन किया हुआ है तो वो हमारे लिए होगा क्या, नोस्ट्रो अकाउंट। लेकिन सिटी बैंक के व्यू पॉइंट से देखेंगे तो वो होगा वोस्ट्रो अकाउंट। अब सेकंड एग्जांपल, सपोज सिटी बैंक है वो हमारे इंडिया में HDFC में अकाउंट मेंटेन करते हैं इन INR, तो वो हमारे व्यू पॉइंट से क्या होगा, वोस्ट्रो अकाउंट। लेकिन सिटी बैंक के व्यू पॉइंट से क्या होगा, नोस्ट्रो अकाउंट, फाइन, अंडरस्टूड। एज सच अ नोस्ट्रो अकाउंट एंड अ वोस्ट्रो अकाउंट एक्चुअली रिफर टू द बैंक अकाउंट बट फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स परस्पेक्टिव, मतलब अलग अलग बैंक के व्यू पॉइंट से उसको जाना जाता है, मैंने जैसे आपको समझाया। एज यू कैन सी, USA की सिटी बैंक ने इंडिया के HDFC बैंक में अकाउंट मेंटेन किया हुआ है वो हमारे लिए वोस्ट्रो अकाउंट होगा, लेकिन सिटी बैंक के लिए नोस्ट्रो अकाउंट।
ये सिटी बैंक ओपन अ करंट अकाउंट विद HDFC बैंक इन INR इन इंडिया. दिस इज वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर इंडियन, फाइन. एंड फॉर USA इट इज नोस्ट्रो अकाउंट. अब देखते हैं लोरो अकाउंट क्या है. इट रिफर्स अवर अकाउंट ऑफ देयर मनी विथ यू. इट इज़ अ करंट अकाउंट मेंटेन बाय वन डोमेस्टिक बैंक फॉर अदर डोमेस्टिक बैंक. हियर SBI डज नॉट हैव अ करंट अकाउंट विथ सिटी बैंक एंड यूजेस HDFC's नोस्ट्रो अकाउंट विथ अ सिटी बैंक फॉर सेम ट्रांजेक्शन. इन दैट केस इट इज़ अ लोरो अकाउंट फॉर SBI. इट इज़ लाइकली थर्ड पार्टी अकाउंट. सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. HDFC ने US की सिटी बैंक में अकाउंट मेंटेन किया हुआ है तो वो हमारे लिए होगा नोस्ट्रो अकाउंट, फाइन. अब कोई और बैंक है, सपोज़ कि भाई है PNB पंजाब नेशनल बैंक है, वो डायरेक्ट नहीं जाते सिटी बैंक के पास कि भाई हमें आपके पास अकाउंट मेंटेन करना है. वो जाते HDFC के पास कि आपका जो नोस्ट्रो अकाउंट है तो काइंडली प्रोवाइड फैसिलिटी सो हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हम भी कर सकेंगे. तो ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है ये दोनों के केस में, वो डायरेक्टली नहीं जाता सिटी बैंक के पास, वो इनडायरेक्टली मतलब जाता है HDFC बैंक के पास और फिर ट्रांजेक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ HDFC बैंक. तो ये होगा केस ऑफ लोरो अकाउंट. मतलब जहाँ एग्जांपल है, हियर SBI डज नॉट हैव अ करंट अकाउंट विद सिटी बैंक. SBI के पास डायरेक्टली कोई अकाउंट नहीं है सिटी बैंक का, मतलब सिटी बैंक में डायरेक्टली कोई अकाउंट नहीं है. एंड यूजेस HDFC's नोस्ट्रो अकाउंट. वो यूज़ करेगा HDFC का नोस्ट्रो अकाउंट विद सिटी बैंक फॉर सम ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन के लिए. मतलब वो इट इज़ अ लोरो अकाउंट फॉर SBI. इट इज़ लाइक थर्ड पार्टी अकाउंट. वो होगा लोरो अकाउंट फॉर SBI. इट इज़ लाइक थर्ड पार्टी अकाउंट. ये एग्जांपल है. सपोज इंडिया की HDFC बैंक है, उन्होंने मेंटेन किया हुआ USA की सिटी बैंक में अकाउंट. इट इज़ अ वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर सिटी बैंक एंड नोस्ट्रो अकाउंट फॉर HDFC बैंक. नाउ SBI गई HDFC के पास और बोला हमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है सो काइंडली प्रोवाइड योर नोस्ट्रो अकाउंट डिटेल या काइंडली मेंटेन अवर अकाउंट विथ योर अकाउंट. तो वो होगा लोरो अकाउंट. ही आर HDFC बैंक ओपन अ करंट अकाउंट विथ सिटी बैंक इन USA. दिस इज नोस्ट्रो अकाउंट. फर्दर HDFC बैंक्स नोस्ट्रो अकाउंट इज यूज बाय SBI. दिस इज कॉल्ड एज अ लोरो अकाउंट फॉर SBI. फाइन. ये था नोस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.